जंग के बीच इटली की राजधानी रोम में यूक्रेन के रहने वाले कुछ बच्चों ने बलून के जरिए वहां पर अपना गुस्सा फोड़ा और साथ ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों को युद्ध शुरू होने से पहले ही इलाज के लिए इटली भेज दिया गया। जिन्होंने राजधानी रोम की बलून म्यूजियम में मौजूद बलून से बने एक टैंक को नष्ट किया, उन बच्चों ने बड़े ही उत्साह से एक एक कर सभी बलून फोड़ दिए। बताया गया कि इस अनोखे टैंक को जंग की शुरुआत से पहले ही बनाया गया था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को संदेश देने के लिए ही इन बच्चों को खास तौर पर वहां ले जाया गया। बाद में ये बच्चे इस म्यूजियम के दूसरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्होंने ढेर सारे बलून के साथ खूब मस्ती भी की। यही नहीं, खबर है कि रूसी हमले में घायल हुए सैकड़ों बच्चों को अब तक इटली भेजा जा चुका है। राजधानी दिल्ली में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली संकट का झटका लगने वाला है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में हो सकती है बिजली की किल्लत। 24 घंटे में बिजली की मांग में 3.7% का इजाफा। केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने की आपातकालीन बैठक। कोयले की आपूर्ति के लिए केंद्र को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे बेंगलुरु में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुप्रीम कोर्ट और सभी राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को देंगे रात्रि भोज। रात 8 बजे राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन युद्ध में 1200 सीरिया के लड़ाकों को उतारा है। जंग में भारी नुकसान के बाद रूस ने ये बड़ा कदम उठाया है। कई जगहों पर रूस की सेना को पीछे हटने पड़ा है और बड़े स्तर पर नुकसान की भी खबरें हैं। ऐसे में अब रूस भाड़े के सैनिकों को उतार रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 1200 सीरिया के लड़ाके यूक्रेन पहुंचे हैं, जो कि सीधे तौर पर रूस की सेना की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की तरफ से ये बड़ा फैसला। और वहीं 2 महीने से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा रूस अब उसकी ऐसी घेराबंदी करने में जुट गया है कि ज़ेलेंस्की की मददगार यूरोप के देशों को खाने पीने के सामान की कमी से जूझना पड़ सकता है। इसके लिए वो यूक्रेन की सीमा से लगते समंदर में एक चक्रव्यूह रच रहा है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो यूक्रेन के साथ साथ उसके मददगारों की गले की भी फांस बन सकता है। असल में रूस एक एक करके यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहरों को निशाना बना रहा है। एक तरफ रूस की सेना ने यूक्रेन को जमीनी जंग में उलझा रखा है, तो दूसरी तरफ उसने समंदर में भी जाल बिछाना शुरू कर दिया। और रूस के इस चक्रव्यूह का मकसद ये है कि यूक्रेन से निर्यात होने वाली चीजें और वहां दूसरे देशों से पहुंचने वाली मदद दोनों को रोक दिया जाए, ताकि ज़ेलेंस्की को जल्द से जल्द झुकाया जा सके। क्योंकि पिछले 2 महीने से ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सैनिकों को कड़ी टक्कर दी, जिसमें उसे अमेरिका के साथ यूरोप के दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों और दूसरी मदद की बड़ी भूमिका रही, जिसके बाद माना जा रहा है कि पुतिन ने भी अब यूरोप के देशों को भूख से तड़पाने के प्लान पर काम और तेज कर दिया। हालांकि रूसी सेना ने मारियुपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े बंदरगाह वाले शहरों पर कब्जा करके इस प्लान को कामयाब करने की तरफ कदम पहले ही बढ़ा दिए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि रूस ने अब एक और बंदरगाह वाले शहर ओदेसा की भी पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। यानी पुतिन की सेना ने यूक्रेन के समुद्री सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। और यही बात न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि इससे काला सागर से होने वाली यूक्रेन का निर्यात पूरी तरह ठप हो जाएगा। तो यही है पुतिन का यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को भूख से तड़पाने का प्लान, क्योंकि यूक्रेन का निर्यात रुकने से न सिर्फ यूरोप में हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक अनाज और खाने वाला तेल पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। रोटी की टोकरी कहा जाने वाला यूक्रेन गेहूं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है और गेहूं के साथ दूसरी कई चीजें भी वो बड़े पैमाने पर दूसरे देश को भेजता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2020 में यूक्रेन दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा खाद्यान्न निर्यात करने वाला देश था। यही नहीं, 2021 में तो उसका कृषि निर्यात करीब 25% और बढ़ गया, जबकि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा चिकन निर्यातक देश भी है। इसके अलावा यूक्रेन मक्का और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है, लेकिन बंदरगाह वाले शहरों पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन को ये सामान दूसरे देशों में भेज पाना आसान नहीं होगा। यानी कि यूक्रेन से इतने बड़े पैमाने पर मिलने वाले खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाने से यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर अब संकट लगातार खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और रूस काला सागर में यूक्रेन के जहाजों की आवाजाही ठप करके अपने इस प्लान को कामयाब बनाने में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि बीएसपी से गठबंधन होता तो मायावती प्रधानमंत्री बनती? अखिलेश यादव ने
बीएसपी प्रमुख मायावती पर ली चुटकी। बोले मायावती जी की पार्टी से पिछली बार समझौता हुआ था, अगर वो बना रहता तो वो पीएम बन सकती थी। पटना में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किया इफ्तार का आयोजन। इफ्तार के बाद नीतीश कुमार खुद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज दिल्ली दौरा, कल राष्ट्रीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, पीएम मोदी से नहीं होगी मुलाकात। देश ऐसे हैं जिन्हें रूस की नेचुरल गैस